नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिकट ना मिलने पर। गणमीरपुर क्षेत्र में दावेदारों ने कार पर लगे ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के पोस्टर फाड़कर अपना गुस्सा निकाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा जा सकता है। दावेदारों ने फेसबुक पर भी कांग्रेस विधायक के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। दावेदारों ने रवि बहादुर पर 15 लाख रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। तो टिकट मिलने पर कहीं खुशी है तो कहीं विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिकट ना मिलने पर गणमीरपुर क्षेत्र में दावेदारों ने कार पर लगे ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के पोस्टर फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। दावेदारों ने फेसबुक पर भी कांग्रेस विधायक के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। तो रवि बहादुर के खिलाफ यहां लोगों में आक्रोश है। टिकट ना मिलने को लेकर यह आक्रोश बताया जा रहा है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमें जानकारी देंगे। गणमीरपुर क्षेत्र, अनिल, जाहिर सी बात है कई जगहों पर एक एक सीट पर कई सारे उम्मीदवार होते हैं लेकिन टिकट सभी को नहीं मिलता, लेकिन एक विधायक पर अगर आरोप लग रहे हैं और वो भी इतने सारे लोग एक साथ भड़ास निकाल रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है अनिल? आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है अनिल के पास आवाज नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करेंगे दोबारा से अनिल से संपर्क कर सकें। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, क्यों आरोप लग रहे हैं कांग्रेस विधायक रवि बहादुर पर? क्या वाकई टिकट में गड़बड़ियां देखी गई हैं? क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, उम्मीदवार कई सारे होते हैं एक एक सीट के लिए, तो आखिर यार रवि बहादुर के खिलाफ जो रोष है लोगों में वो क्यों है? अनिल जी, पारुल देखिये, हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव शुरू हो चुके हैं, उसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। उसमें कांग्रेस के काफी नेताओं ने आरोप लगाया है, जो विधायक है वहां के रवि बहादुर जी, उन्होंने आरोप सोशल मीडिया में काफी तरह के लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर के टिकट दिए हैं। जी, ये कहना तो अभी मुश्किल होगा, उन्होंने पैसे लेकर दिए हैं या कैसे किया है ये कभी जांच का विषय है, परंतु प्रेजेंट मिस्टर को यही लगता है जिस तरह से आक्रोश और उनके बीच आक्रोश है कि हमें टिकट ना देने को लेकर के आरोप लिया, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली विषय है। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस के विधायक हैं क्योंकि रवि बहादुर और इन पर आरोप लग रहे हैं, तो कांग्रेस इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर भी होगी आपसे बात।